बैक टू जोर जोर का मीरब और की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदी आप सोच रहे होंगे कि हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं उमर ने दरअसल एक टॉफी खानी शुरू की और प्रोग्राम लाइव हो गया अब उमर को समझ नहीं आ रही है कि वो किस किस क्या तरह से इस सिचुएशन को मैनेज करें लेकिन हम सब उमर के साथ हैं नाजिन मैच की तरफ बढ़ते हैं बात करते हैं जो कल का मैच हमारा होगा यानी कि आईसीसी सी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी टूर्नामेंट का आखिरी मैच फिफ्टी मैच जो कि कल होने वाला है फाइनल फाइनल जिसके अंदर इंडिया ने क्वालिफाई किया और उसके बाद आप देखें कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया इस पर थोड़ा सा इसके पस मंज़र की अगर बात की जाए आप देखें कि टूर्नामेंट जब टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ उससे कबल आ, कुछ गुफ्तु हमारे सामने आई कि पिचिज़ बहुत मुश्किल होने वाली हैं नासो काउंटी बहुत मुश्किल पिच होगी और आ, प्लेयर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर होगी कई लोगों ने कहा कि बैटिंग को वहाँ पर एडवांटेज होगा कई लोगों ने कहा कि वहाँ पर फास्ट बॉलिंग को एडवांटेज होगा लेकिन आप देखें कि जिस तरह से हमने देखा डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर तकरीबन आई थिंक नाइन वेन्यूज़ के ऊपर जो है वो मैचेस मुश्तमिल थे और उसके बाद यूएसए और वेस्ट इंडीज़ इनको होस्ट कर रहे थे और जिस खूबसूरती के साथ टूर्नामेंट का सिलसिला आगे बढ़ा हमने देखा कि पाकिस्तान टीम क्योंकि इंग्लैंड में अपनी सीरीज़ खेल रही थी तो पाकिस्तान टीम ने वहाँ पर कोई वार्म मैच नहीं खेला लेकिन उसके बाद जैसे ही वापस आए तो अच्छे ख़ासे दिन मिल गए रेस्ट के लिए मगर पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस करना मुनासिब नहीं समझा या वक्त नहीं मिला या पता नहीं क्या हुआ लेकिन बार प्रैक्टिस भी नहीं की उसके बाद यूएसए के साथ पाकिस्तान का 6 जून को मैच हुआ पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ पाकिस्तान अगर कहा जाए आसान लफ्ज़ों में तो दो बार यूएसए से हारा एक मौका पाकिस्तान को दोबारा मिला था जो कि सुपर ओवर का था जिसके अंदर हम सब पर उम्मीद थे कि चलें अब तो एटलीस्ट आप कुछ कर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान जब उसमें भी कुछ ना कर पाया तो उम्मीदें वहीं पर टूट गई थी उसके बाद पाकिस्तान टीम का 9 जून को बहुत बड़ा मैच था जिसका चर्चा आप देखें कि अभी 2024 शुरू हुआ था तो उसके बाद से ही यह गुफ्तु जारी हो गई थी कि जब टी में पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होंगे पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होंगे और आई स्पेशली इस मैच को ख़ासी तोज्जो भी देता है कि इस इस मैच को रखा जाता है एक स्पेसिफ़िक ग्रुप के अंदर और फिर इसके लिए अगर हम कहें कि नासो काउंटी बनाने का मकसद और उस स्टेडियम को एक इतने इंपॉटेंस का मकसद भी इसीलिए हासिल था कि वहाँ पर थर्टी फ़ोर थाउजेंड लोग आई गेस के वहाँ पर बैठ सकते थे और उसके बाद आप देखें कि वहाँ पर मैच जो रखा गया था वो पाकिस्तान और इंडिया का रखा गया था लेकिन पाकिस्तान वो मैच भी कहीं ना कहीं पता नहीं किन कमजोरियों की वजह से कौन सा ऐसा मसला था जो सॉल्व नहीं हो पाया कि 120 का स्कोर पाकिस्तान ना कर पाया और uh, मैच इंडिया के हवाले कर दिया पाकिस्तान वहाँ से भी शिकस्त का सामना हुआ उसके बाद जब आपका मैच हुआ कनाडा के साथ तो तो भी आप बस जीत गए मैच कोई बहुत बड़ी विन नहीं थी कोई बहुत बड़े मार्जिन से हमें पाकिस्तान की फता नज़र नहीं आई फिर आखिरी मैच जो आयरलैंड के साथ था वो भी हम बिल्कुल नेक टू नेक जाकर शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस के बायस हम वो मैच जीत गए तो पाकिस्तान का ये सफ़र जो है ये तो आप कह लें कि जो पहला मरहला था ग्रुप्स के आपस में मैचेस जहाँ पर बहुत सारी टीमें आ, बहुत कोशिश करती नज़र आईं लड़ती नज़र आईं यूगेंडा की टीम पीएनजी की टीम ओमान नदरलैंड जितनी भी नई टीम्स थी अगर आप देखें तो वो तमाम टीम्स हमें फ़ाइट करती हुई नज़र आईं कोई भी टीम ऐसी नज़र नहीं आई जो हम कह सकते हैं कि इसने तो ये तो बिला वजह टूर्नामेंट के अंदर है हर टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दी श्रीलंका की बात कर लें अगर हम जो कि बाहर हो गए उसके बाद न्यूजीलैंड जैसी टीम जिसके बारे में जिसको लोग टॉप फोर में कंसीडर करते थे वो टूर्नामेंट से सुपर एट में मतलब क्वालिफाई ना कर पाए एक बहुत बड़ा मरहला सारा था जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी टीम्स भी बाहर हो गई उसके बाद सुपर एट का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सुपर एट का हुसन अफ़गानिस्तान के नाम मैं कहूँगी कि उन्होंने जिस तरह से उसको आ, किया बिकॉज उन्होंने बड़े मार्जिन के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराया और इसके बाद जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो एक बड़ी कहलें कि ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए एक सैड सिचुएशन थी कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स यानी कि टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया है इन तमाम सूरत हाल के बाद जब uh, मरहला शुरू हुआ टॉप फोर का तो एक बहुत ही कहें कि ऐसी सिचुएशन थी कि एक सवाल था कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगा और उसके बाद अफ़गानिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान को अगर अफ़गानिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है यानी वो मार्जिन और वो मईरमेंट्स और वो नेट रन रेट्स की गुफ्तु स्कोर कार्ड पर कौन कहाँ है उसके बाद ये गुफ्तु जारी रही जिसके अंदर फिर फाइनली इंडिया क्वालिफ़ाई हुआ दूसरी जानब साउथ अफ्रीका क्वालिफ़ाई हुआ अफ़गानिस्तान क्वालिफ़ाई हुआ और इंग्लैंड क्वालिफ़ाई हुआ चार बड़ी टीम्स जिन्होंने बहुत आप समझ लें कि एक ज़बरदस्ती सिचुएशन जो है वो आपस में सेलिब्रेट की एक मौके को मनाया और बड़ी टीम्स अगर हम देखते हैं कि जो क्रिकेट लवर हैं एक्चुअली जिन्होंने क्रिकेट से मोहब्बत की है अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं जो बुनियाद है क्रिकेट की वहाँ से उन्होंने शुरुआत की और वो सेमीफाइनल में हमें नज़र आए और डेफिनेटली बनता था इंडियन टीम इंडियन फैंस जिस तरह से इंडियन प्लेयर जिस तरह से अपनी क्रिकेट को अहमियत देते हैं हमें नज़र आए अफग़ानिस्तान ने जो मेहनत करके अपनी क्रिकेट को प्रमोट किया हमें नज़र आया साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन थी कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स के अंदर है और वो जो एक चौकर्स का टैग था उसको हटाने का उनके पास एक बेहतरीन मौका था जिसको अवेल करते हुए फिर मरहला शुरू हो गया फाइनल्स का जो कि कल फाइनली एक बहुत बड़ा दिन है जब ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली exactly ट्रॉफ़ी किसके नाम होती जा रही है तो इंग्लैंड इंडिया के आगे कह लें कि घुटने टेक दिए परफॉर्मेंस ही ना दी फैसले ही ठीक से ना किए पिच ही रीड ना की और पता नहीं क्या हो गया कि बस आ, इंडिया हावी हो गया और इंडिया फाइनल में शामिल हो गया दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो अफ़गानिस्तान ने भी इसी तरह सेम सिचुएशन साउथ अफ्रीका के आगे कुछ भी ना कर पाए और बसानी साउथ अफ्रीका भी फ़ाइनल्स में शामिल हो गया ये जो आसानी से फ़ाइनल्स में शामिल होने का सिलसिला है ये बिल्कुल इस तरह से आसान लग नहीं रहा था जब मैच होने वाले थे लेकिन जैसे ही मैचेस हुए तो हमें महसूस हो गया कि मैच तो बस बासानी क्लैरिटी के साथ एक तरफ यहाँ दूसरी तरफ वहाँ फाइनल्स के अंदर फ़ाइनल्स की ज़ीनत बन गया है अब फाइनल्स के बारे में एक बहुत बड़ा इम्तहान हम सब के जहनों में है कि फ़ाइनल्स में आखिर क्या होने वाला है किस तरह से टीम्स परफॉर्म करेंगी क्या इंडिया टीम ट्रॉफ़ी ले जाएगी या क्या साउथ अफ्रीका ट्रॉफी ले जाएगी और ये मैच जितना मुश्किल नज़र आ रहा है हो सकता है कि गुज्त मैच की तरह इसी आसानी के साथ ये दोनों टीम्स भी आ, मैच हमारा जो है वो उतना इंटरेस्टिंग ना हो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आसानी के साथ साबित हो जाए कि कौन सी टीम कहां पर जा रही है तो मुझे लगता है कि उमर की ट्रॉफ़ी बकायदा तौर पर खाई जा चुकी होगी और हज़म भी हो गई होगी तो उमर के साथ जो है वो सिलसिला आप जारी करते हैं गुफ्तु का उमर इतनी लंबी गुफ्तु करने का मकसद ये था कि क्योंकि लास्ट डे है और इसके बाद कल फाइनल है और टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा तो क्यों ना एक जो पूरी जर्नी थी उसके बारे में बात की जाए पाकिस्तान का उसमें किरदार जाहिर किया जाए और तमाम टीम्स का सो so अगर हम कल का मैच अब देखते हैं जैसा हम उससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि इंडिया ज़्यादा बार साउथ अफ्रीका से जीत पाया है साउथ अफ्रीका उतनी बार इंडिया से निस्बतन नहीं जीता लेकिन फाइनल्स की सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ है साउथ अफ्रीका हमें बहुत ईगर नजर आता है टू विन द टूर्नामेंट ऑफ कोर्स तो क्या लग रहा है आपको कि साउथ अफ्रीका क्या एक बेटर प्लानिंग के साथ नजर आता है एक बेटर uh, अप्रोच के साथ नजर आता है हमें कल फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एक्सलेरेटेड प्रोडक्शन वे यू एक्सप्लेनड और जितने भी सरकम्स्टेंसेस हुए जो सिचुएशंस हुई उसको बहुत जबरदस्त आपने और शॉर्टली जो आपने सबब किया है ड ऑफ दी ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल वेरी एक्सेप्शनल अच्छा दूसरा ये है कि साउथ अफ्रीका हम बात करते रहे बचपन से सुनते रहे कि ये वो टीम है कि बदनसीब है पता नहीं क्या है कि सेमीफाइनल तक जाती है आगे तक रिसाई नहीं कर पाती लेकिन ये जो इडन मार्क आपकी साउथ अफ्रीका थी इसका एक चाम अलग था hmm. कि इन्होंने हिकअप्स खाए और को जो है सरवाइव किया तमाम बैचेस में स्पेशली अगर आप बैरिकल लेग की बात करें जो कि बाकी टीमों की तरह वो भी स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन वो गिवअप अप नहीं, नहीं किया उन्होंने और उन्होंने जो है टिल द लास्ट मोमेंट जो है मैच की सिचुएशन को टैकल किया और उनके पास जो बिग गज थे जैसे बिलर उन्होंने या क्लेसन उन्होंने अब भी रोल प्ले किया ठीक है ऊपर से मारकर आप खुद जो है अपनी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ की वजह से जाने जाते हैं और उन्होंने भी उबदगी का मुजाहरा किया फिर रिजा हेड्रिक्स ये सारे जो प्लेयर्स हैं अब जान मान रहे हैं फिर इसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट जो इनका किसी तारुफ का बोताज नहीं एंडरिक नोरकिया रबाडा और इसके अलावा बाटमैन तो ये सारे ऐसे बॉलरस हैं फिर किशव महाराज जो स्पिनर उनके लिचपिन बॉलर है और तब्रेज़ तबशी ने तो आप दिखाई दिया है लेटेस्ट जो उन्होंने परफॉर्म किया है उन्होंने तीन विकटें ली और किस तरह से उन्होंने किया किए अफगानिस्तान की, की इनिंग्स को तो साउथ अफ्रीका ओवरऑल एक पोटेंशियल के साथ आया इस बार और चैलेंजेस क्या इनको फेस हो सकते हैं इसको हम ए, डिस्कस करते हैं लेकिन इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है इसमें कोई डाउट है नहीं ठीक है क्वार्टर डिकॉक 2013 से इस टीम के साथ व्यवस्था है और कई बार उन्होंने कई मैचेस उन्होंने जीते हैं मैच बिने है, का बैलेंटिस रखते हैं बाहकर रखते हैं और बाकी लेकिन सिचुएशन ये है कि आपने खेला है बार बडोस में हुँ. और मोर लाइकली ये सिचुएशन जो है इंडियंस को सूट करती है और हंड्रेड परसेंट वो सिचुएशन तो नहीं होती लेकिन काफ़ी मिलती जुलती है कंडीशन यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अतबार से तो और स्पिनर्स की अगर बात करें दोनों टीमों की आप देख लें केशव महाराज तबरेज शमसी और इडन मार्क पार्ट टाइम करेंगे करेगा और इसके अलावा आप अगर इंडिया की बात कर ले तो कुलदीप यादव जो है और ओबियसली अक्षर पटेल रविंद्रा जदेजा फिर बैच पर बैठे हुए हैं युसविंद्रा चाहल exactly. और सजू सेमसन के भी स्पिन हैं तो अब आप दाद दे इंडिया के सेलेक्टर्स को और कोच को और कैप्टन को exactly. कि किस तरह से उन्होंने टीम को तश्ल दिया hmm. एक मास्टर बाइट था एक तरफ हमारी टीम को देख लेके किस तरह से तश्ल दिया गया और इंडिया की टीम को देख लेके किस तरह से तश्ल किया गया कंसिडरिंग द वर्ल्ड कप और को पता था स्पिनर्स ये ट्रैक्स हो गए यहाँ पे बोर लाइकली तो उन्होंने देखे चार स्पिनर्स रखे पर पांच आप कह लो तो और अभी तीन खिला रहे हैं वो और एक जनवर स्पिर जैसे बात हो रही थी वो अभी भी तकरी खेले इस वर्ल्ड कप में तो यहाँ से आप देख लेंगे exactly. तो इसके अलावा फोबेटेबल परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं कुलदीप और अक्षर पटेल ने जिस तरह से तीन विकटे ली स्टैंड आउट परफार्मेंस दी कुलदीप यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ वैसे भी एक अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं द पास पांच विकटे ली थी उन्होंने और जैसे आपने कहा इंडिया का, का रिकॉर्ड जो है साउथ अफ्रीका exactly, के साथ exactly. तो छब्बीस मैचों में यानी चौदह वर्तमान इंडिया जीते hmm. साउथ अफ्रीका hmm. जीते जिसमें से एक मैच का रिजल्ट नहीं आया और अगर लास्ट पांच आउटिंग्स देख ले तो उसमें से तीन बार साउथ अफ्रीका लेके जीता है hmm. और एक बार इंडिया जीता है hmm. और एक बार रिजल्ट नहीं। जो लास्ट आउटिंग होती है उसमें इंडिया एक या एक प्लस रन के मार्जिन से जीता है तो इवन स्टीवर इक्वेशन है एक मसला ये है कि प्रेशर हेडलिक बात होगी फाइनल है बिल्कुल ऐसे ही है इंडिया के पीछे जो है इंडिया खड़ा है ऑबवियसली उसकी निगाहें हां सही है साउथ अफ्रीका के पीछे पूरा साउथ अफ्रीका खड़ा है अब देख रहा ये है कि कौन प्रेशर को टैकल करता है इंडिया के लिए वो जो वर्ल्ड कप में एक ड्रा ठहरा वो खत्म करने की निगाहें होगी कि हमने खत्म करना से वो आ... इस चीज़ का और, कर रहे हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेज से ये डेस्परेशन देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वो डेस्परेट है कि विल करे वर्ल्ड कप अपने मुल्क के लिए और जिस तरह से इमोशनल हो भी गए तो वो इसकी अक्सी करते है सब और विराट कोहली के बारे में सब कह रहे हैं कि आउट ऑफ सॉट्स है ठंडी फॉर्म है लेकिन फॉर्म गर्म भी हो सकती है नेवर नो कल का वो मैच हो तो बात यही है कि कल जिस तरह मैच शुरू होगा और तभी पता चलेगा कि कौर कितने दबे हैं और आसान का होगा साउथ अफ्रीका के लिए इसलिए ये बड़ा स्पेशल मूवमेंट है कि फर्स्ट टाइम फाइनल खेल रहे हैं और इस इस वजह से फाइनल में प्रडिक्टलिटी होगी लेकिन ये ज़रूर है कि वो एड़ी छोटी का ज़रूर जोर लगाएंगे उसकी वजह ये है कि एक जनरेशन के एक ड्रॉट है कि वर्ल्ड कप नहीं जीते और वो एक माइंड में होगा और बारक्राफ के पास एक ये आता है

Uh, उसके पॉइंट्स क्या बनते हैं किस एतबार से वो नंबर वन आती है क्या इस सूरत में हम कह सकते हैं कि इंडिया को ज़्यादा एज हासिल हो सकता है देखिए पहली बात यह है कि अमेरिका और में ना ये फर्क बारिश का फर्क है बारिश है। है। होतीबियन में भी होती है अमेरिका में दरअसल कंडीशन का फर्क है में क्या होता है क्योंकि आईलैंड कंट्रीज है तो यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो उतनी ही तेजी से जो है ना वो, वो हो है। हो जाता हाँ, और सारा कुछ हो जाता हाँ। है ऐसा ही हुआ कोई मैच मुतासर नहीं हुआ इस तरफ हाँ ये होता था डिले आता था ओवर्स भी कुछ थोड़े से कम हो जाते थे लेकिन ऐसा नहीं होता और मेरा नहीं ख्याल की ये चीज होगी ये आईलैंड कंट्रीज का ये फायदा होता है और क्योंकि वो फ्लोरिडा की सिचुएशन अलग थी और वो बस हो गया जो हो गया लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा और दोनों टीमों को मौका मिलेगा कि मैदान में उतरे और अपना अपना जलवा दिखाए और देखे कि कौन जीता है और वैसे भी एक्साइटमेंट का लेवल अब वैसे ही बढ़ चुका है और देखते ये है कि कौन टीम जो है अपने को से जो है अपने काबू रखती है और होगा और मुझे ये लगता है थ्रिलर हो कांटे का मुकाबला होगा आप ये दिल नहीं कह सकते वन साइडेड और वन साइडेड हम चाहे भी नहीं मीर जिस तरह के exactly, हाँ वो एक उस तरह से आपका जो है ना वो इंटरेस्ट फैक्टर वैसा नहीं रहता लेकिन ये जरूर है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से अफगानिस्तान की बैटरिंग किया है वो तारीख में सेमीफाइनल में कभी नहीं देखे कि सेमीफाइनल में पहली बार हुआ है कि पावर प्ले में पाँच विकटें जाए अफगानिस्तान ने ना बिल्कुल भी वो जेबतरी की वो ओवर रिलायंस किया हुआ था इब्राहिम सदरान पे रहमानल्ला गुरबाज पे और वो नहीं चले तो एक्सपोज हो गया मिडिल ऑर्डर और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी तेज़ी से ये ढेर हो जाएंगे फिफ्टी सेवन पर ढेर हो तो जाएगी देखिए ना सेवनटी फाइव परसेंट लोगों की होप्स थी कि अफगानिस्तान जो है वो मैच जीत सकता है तो फिर तो बहुत बड़ी बात है इनकलूडिंग नीवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अफगानिस्तान लेके जा सकता है मैच बसानी अपने हाथ और इंडिया और अफगानिस्तान का हमें मैच देखने को मिल सकता है लेकिन द वे साउथ अफ्रीका वॉज डामिनेंट तो सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क हो गई बिल्कुल ऐसे ही है और दूसरा अच्छा ये ना एक स्पेशल मोमेंट्स दोनों टीमों के लिए ये है इंडिया की अगर हम बात करें तो प्रोबली तीन हैवी वेट्स जो है अब शायद इंडिया के आउटफिट पे इंडिया के ड्रेसिंग रूम में नजर ना आए आपको विराट कोहली का शायद आखिरी कप हो और रोहित शर्मा का भी और इनके कोच राहुल ड्राविड का तो आखिरी ये मैच होगा तो ये इस वजह से ये चाहेंगे कि इनके लिए ये वर्ल्ड कप स्पेशल बनाएँ और ये इंडिया जीते वर्ल्ड कप इसी तरह साउथ अफ्रीका बारकर की क्यादत में जो यंग और रीजल हुई है जो साइड वो चाहेगी कि

पूछ रहे थे कि विच टीम विद टीम विच टीम एंड आई वॉज लाइक ऑफ कोर्स इंडिया बट देर वर मैक्सिमम पीपल हु वर टेलिंग अबाउट साउथ अफ्रीका एज़ वेल क्योंकि uh, अगर हम देखें अगर हम हिस्टोरिकली बात करते हैं तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका के पास कभी ये मौका उनको मिला नहीं है तो वो बहुत uh, उस मौके को हासिल करने के लिए ग्रीडी होंगे डेफिनेटली और इंडिया अभी तक मेरे ख्याल से कि मुसलसल फाइनलिस्ट रहा है और फाइनलिस्ट होने के बाद Uh, वो फाइनल की ट्रॉफ़ी ना जीतना वो एक अलग ईगरनेस है और एक अलग ग्रीड है तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अच्छा अगर हम दोनों कैप्टन की बात करते हैं जैसे उमर प्रेशर की बात कर रहे थे तो आप देखिए कि प्रेशर हैंडलिंग तो दोनों कैप्टन बेहतरीन कर लेंगे बिकॉज मार्करम हिमसेल्फ इज़ अ वेरी बेस्ट कैप्टन एंड रोहित शर्मा हिमसेल्फ इज़ अ वेरी बेस्ट कैप्टन दोनों बहुत फाइन कैप्टन हैं और दोनों से हम लोग कैप्टेंसी स्किल्स की अगर बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन है दोनों ही बेहतरीन बॉलिंग uh, है उनकी फील्डर्स अगर आप बात करते हैं साउथ अफ्रीका की फील्डिंग की वो कोई मौका जाने नहीं देते हैं प्रडिक्शन uh, तो मैं दे चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक uh, सवाल है माइंड में कि नथिंग नथिंग कैन बी यू नो हंड्रेड परसेंट करेक्ट कुछ भी हो सकता है हो सक मतलब एक बहुत ही सरप्राइजिंग सिचुएशन है वाजिया नहीं है कोई भी चीज़ एक इमेज क्लियर नहीं है जैसे इंग्लैंड के साथ आए वो हंड्रेड परसेंट श्योर के इंडिया जीत जाएगा लेकिन इस मैच में बस एक आ, समझ नहीं आ रही है कि कुछ भी हो सकता है मे बी इट कैन बी येस एंड इट कैन बी नो तो बहुत इंटरेस्टिंग कल का दिन होने वाला है उम्र अगर हम लोग बात करते हैं देखिए शिवम दुबे की अगर हम बात करते हैं बट आई लाइक इज़ दैट कि इंडियन टीम इज़ यू नो दे आर प्रोमोटिंग देयर डिसीजंस

इसी के साथ के राहुल को भी मिस किया जा रहा है कल के मैच में के राहुल भी बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते थे रिंकू सिंह होते तो वो उस जगह को उस मिसिंग uh, एलिमेंट को फिल कर सकते थे लेकिन कप्तान की उम्मीदें शिवम डूबे से उन्होंने मौका दिया है तो दिया है लेकिन हम यू you नो know, हम लोग यहाँ बैठकर बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और हमें हम मिस हम करते हैं उन चीज़ों को कि यार शिवम डूबे की जगह अगर रिंकू सिंह होता तो ये भी एक एलिमेंट uh, फिल हो जाता मज़ीद निखार आ जाता सो डोंट यू सिंह कि फाइनल्स के अंदर अगर हम देखें कि शिवम डूबे की जगह अगर या इवन कल के मैच की अगर हम बात करते हैं डू यू मिस द एलिमेंट बात यह है कि अच्छी टीमें जो होती है ना वो बिलावजा चेंजेस नहीं करती और एक कोबो को जेलिन होने देती है आपस में वो एक सेटलमेंट होने देती है ताकि वो एक दूसरे कंफर्टेबल भी हो जाए एक दूसरे की साइकी भी समझ सके और कोऑर्डिनेट अच्छा कर सके तो ये आसान नहीं होता हम हम क्या करते है कि हम कोबो बनने नहीं देते तो जिसकी वजह से आप ब्रट भी बेयर करते हैं लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आप प्रिकू वाली बात करिए राहुल वाली बात करिए और कल के बैच में इंप्लीमेट होने लगे या उनको मौका मिलेगा और हाँ ये ये, तो है ही नहीं ना। ये ये मैं वही कह रहा हूँ ना ये बात ज़रूर है वीरभ कि यशस्वी जसवाल को एज एन ओपनर ट्राई किया जा सकता है विराट कोहली को जो है वर्ड डाउट किया जा सकता है और बाकी जहाँ तक आपने डूबे की बात की है तो उनको ड्रॉप करके जो है

उनके माइंड में अभी तक यही चीज़ हो रही है कि परफॉर्म करना है ये एक दिन है ये एक अपॉरचुनिटी है जहरी बात है इरिक्स तो उन्होंने एक से बढ़ के एक खेलिया जो मेमरेबल है आप जो निकाल लो अब 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हुई थी तो ये इनका एक बड़ा रोल था कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम दो सौ के रन टारगेट चेस किया था तो विराट कोहली ना सिर्फ रिकॉर्ड्स का करते हैं बल्कि मैच विनर है गेरी के रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स की बर्बार करते हैं तो जहरी बात है उनका एक नेचुरल स्टाइल है कि वो थोड़ा सा टाइप करते हैं विकेट पे और फिर उनके गेयर्स होते हैं जो वन बाय वन वो इम्लीमेट होते हैं वो गेयर्स एक्सेलरेट करते हैं तो ये चीज़ है हो सकता है उनका दिन हो लेकिन ऐसे रोपरिरी चलेगा जैसे रोहित शर्मा ने भी उनके हक में एक स्टेटमेंट दिया है दिस शोज के कितनी से ज्यादा बैक है उनके Hmm. तो ये वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई कर देता है अगर आपका कैप्टन आपके साथ है ये चीजें hmm. बड़ी बेटर करती है तो अच्छा कम्बिनेशन बनाओ इंडिया का उमर आई जस्ट ओपन अप माय फोन एंड आई चेक दैट आर देयर सम कमेंट्स और नॉट सो आई जस्ट चेक इन आई एम वाचिंग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं उमर आपके लिए एवरीवन इज सेइंग दैट दे सपोर्ट यू एंड यू आर अ गुड गाय

जो क्रिकेट जानते हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट को प्रोमोट होता देखना चाहते हैं वरना क्या होता है कि हम इसको एक ईगो बना लेते हैं कि नहीं हमें जीतना है अगर हम ना जीते तो हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी वी एज अ नेशन वी फील दैट कि हमें हमें जीतना है बिकॉज हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी वी डो नॉट थिंक इट्स अ क्रिकेट इट्स अ गेम कभी हार है कभी जीत है लेकिन uh, मैंने देखा है कि उमर हैज़ द ट्रू पोटेंशियल टूवर्ड्स एवरी टीम जो भी टीम अच्छा खेलती आ रही है उमर उस टीम को प्रमोट करता है सपोर्ट करता है इंग्लैंड टीम की बहुत मैंने बात सुनी है उमर से इनफैक्ट अगेन आई डिस्कस द सेम थिंग अगेन एंड अगेन हो सकता है उमर को समझ भी आ गई मैं क्या बात करने जा रही हूँ uh, जो नई टीम्स थी इस बार टूर्नामेंट में हम मैं बहुत सारे उसमें प्लेयर्स के बारे में नहीं जानती थी मेरे लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था यूएसए के अंदर आप देखें कि जो प्लेयर्स थे मुझे ये आइडिया ज़रूर था कि हाँ ये जैसे शायान जहांगीर हैं उनके बारे में पता था कि पाकिस्तान से हैं या एक दो और प्लेयर्स हैं उनके नाम मुझे पता था कि ठीक है ये इंडिया से थे लेकिन उमर को उनके बारे में एक एक बात यू नो ये भी पता था कि एरन जॉन्स जोफ्रा आर्चर के बेस्ट फ्रेंड हैं तो मतलब आप देखें कि द वे ही फॉलोज क्रिकेट एंड एवरी थिंग द लिटिल स्टेप्स ऑफ द यू नो मूविंग टूवर्ड्स द ब्रॉडर एरियाज़ तो वो वहाँ से गुजर कर उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ी बात है तो ये हमारे क्रिकेट के एनसाइक्लोपीडिया दैट्स वाई ही इज़ हेयर ऑफ कोर्स के वो जानता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि प्रॉबेबली हम एज अ नेशन या एज अ क्रिकेट फैंस एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट शायद हमें नहीं पता हम कंडीशन पर पिचेस पर प्लेयर्स की कारकरदगी पर बात करते हैं बट प्लेयर्स एक्चुअली कहाँ से आए कहाँ से बने फैमिली क्या थी दोस्त कौन थे वो सब चीज़ें उमर जानते हैं कि किसी दिन उमर के साथ हम ये भी सेशन करेंगे कि आ, प्लेयर्स के बारे में बताएं कि उनके क्या क्या बैकग्राउंड था कहाँ से आए किस तरह से आए सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग व्हेन वी कम ऑन डेट उम्र इन इस तमाम गुफ्तु के बाद अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं क्योंकि ओबियसली बीग अ पाकिस्तानी हम पाकिस्तान टीम को मिस तो कर रहे हैं टूर्नामेंट में इवन फाइनल्स में भी क्योंकि अगर हम देखें इससे पहले पाकिस्तान तो 2022 में आ, कर ही गया था कुछ ना कुछ ठीक है मतलब फ़ाइनल नहीं जीत पाया था या ट्रॉफी नहीं जीत पाया पाकिस्तान मगर ये है कि वो टीम में फिर भी एक पोटेंशल नज़र आई थी अगर इस टीम की बात करते हैं और इसको हम रिलेट करते हैं 2022 के साथ तो आपने क्या मिस किया इस टीम के अंदर अच्छा पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना कॉम्प्लीमेंट करने का आपका भी और फैज़ का भी जो एक कर रहे हैं ग्रेटनेस है और जहरी बात है ये मोटिवेशन मिलती है तो ये और ज़्यादा भद्दा करता है कि इसको और वर्कआउट करें चीज़ों पर दूसरी बात यह है कि ये जब हमने शुरू की थी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप से पहले पहले तो यह था कि हम काफ़ी हमने चीज़ें डिस्कस की थी और बड़ा वो अच्छा एक मेमरीज बन गया कि जिस तरह हमने किया था जैसे उमाद की टीम के बारे में और जैसे फयाज बट जो पाकिस्तान अंडर नाइटी खेले दो हज़ार में अच्छा कितनी ये खूबसूरत बात है कि फयाज बट उबाद से खेले हाँ। शायद जागिर उसी टीम में थे 2010 के वो खेले यू से अच्छा आपको पता कल, है अलग अलग हुए तो उस टाइम हॉकी बहुत ज्यादा आम थी आ, तो मैंने एक मूवी में भी देखा था और डेफिनेटली आप ने भी देखा होगा कि उस वक्त भी ये था कि जो प्लेयर्स एज अ टीम खेलते थे फिर वो सब आमने सामने खेलना शुरू हो गए तो वो जो एक दोस्ती होती है फिर जब वो एक कंपटीशन में चेंज हो जाती है और उसके बाद हमारे लेजेंड्स हैं उन्होंने एग्जैक्टली exactly क्या किया है कि उन्होंने अगर वो एक बंदा अपनी टीम से खेल रहा है दूसरा बंदा एक दूसरी टीम में चला गया है तो उन्होंने उस चीज़ को कंपटीशन बिल्ड किया है उन्होंने उस पर काम किया है कि हमें इस गेम को प्रमोट करना है हमारी टीम में पाकिस्तान टीम में आज हमें क्या नज़र आता है कि हमारी एक टीम ग्यारह लोगों की टीम में इतफाक़ नहीं है और इतिहाद नहीं है वो अलग अलग हैं एक दूसरे से मुंह मोड़े हैं जो सोर्सेज बताते हैं मैंने ख़ुद से तो नहीं देखा आई वॉज नॉट देयर इन यू एस ए जो रिपोर्टर्स uh, बताते हैं जर्नलिस्ट बताते हैं कि वो एज अ टीम एज अलेवन पीपल उनके अंदर आपस में कोई बातचीत कोई ग्रुपिंग एज अ ग्रुप जाना एज अ टीम जाना वो सब नहीं था तो यू you नो know, एक जो राइवलरी होती है उसका मकसद होता है खेल जब राइवलरी की बात आती है तो आप कहते हैं कि यहाँ पर मज़ेदार खेल होने वाला है लेकिन जब वो टीम के अंदर ही राइवलरी शुरू हो शुरू हो जाती है तो फिर आप सामने वाले से क्या मुकाबला करेंगे आपका मुकाबला तो ख़ुद से चल रहा है तो आई थिंक इंक्लूडिंग दैट पॉइंट एज वेल कि 2022 में हमारे पास ये मसाइल नहीं थे एटलीस्ट प्लेयर्स वर ईगर टू प्ले दे वर नॉट देयर टू हैव डिफरेंसेस एंड हैव ग्रजेस अब यहाँ पर एक ये भी एलिमेंट है और इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्लेयर्स की एबिलिटी पर बात करें या उनकी वेरिएशन ऑफ़ शॉर्ट्स की बात करते हैं तो क्या वो भी चीज़ हमें कम नज़र आई है तो बात होती है एबिलिटी की ठीक है एबिलिटी और इटेंशन दो डिफरेंट फिर एबिलिटीज इन्हीं प्लेयर में है इन्होंने परफॉर्म किया हुआ इन द पास लेकिन मसला ये है कि क्या हुआ ये yes. इस पर काफ़ी लंबी एक आप थीसिस थी लिख लो क्या हुआ भी तेरा लो। वादा वो वो कसम डिटोरा बहुत से फैक्टर्स है देखिए ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर ये सच है कि बसों में इस तरह फिर बैठे हुए थे ऊबर आया हुआ थाडफोन्स लगाए हुए थे तो ये बहुत ही पैटैटिक चीज़ है क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर ले गए हो और आप पाकिस्तान की यूनिफॉर्म आप पहनते हो ठीक है ना और जितनी भी हमारी आवाज आपको सपोर्ट करती है ठीक mm. है चाहे वो पाकिस्तान में हो ओवरसीज कहीं भी हो और वी विल कीप सपोर्टिंग उमर ऑफ कोर्स अभी खैर इट्स टाइम टू एंड द शो नाउ वी हैव टू रैप अप और आर यू आर यू विशिंग टू इंक्लूड समथिंग अब ये कहना चाह रहा था कि 2024 और 2022 वाली जो आपने बात की ना उसमें इनर्जी थी उसमें वर्फ थी उसमें ज़ील थी पैशन हुँ। था हुँ। और बेशक हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो स्कोर किया था फाइनल में वो भी इतना कोई ज्यादा टोटल नहीं था लेकिन उसमें हमने बहुत फाइट की पता चल रहा था कि पाकिस्तान टीम लड़ रही है ठीक है ना

लास्ट uh, डे भी आ जाता है टूर्नामेंट का समझ नहीं आती है खैर इट वॉज़ अ ग्रेट टाइम वी हैड टूगेदर दे आर सो मच मेमोरीज और उमर थैंक यू सो मच एजर देयर विद मी और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम कल आपके साथ उमर और मैं शामिल होंगे आपकी प्रोडिक्शंस भी लेंगे अपनी प्रोडिक्शंस भी देंगे अभी के लिए नो no प्रोडिक्शंस कल के दिन का हम इंतजार कर रहे कल के लिए, लिए। आपको चैट सेक्शंस पे जो है कमेंट्स करें क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी आप का क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ताकि आप है अपने पैरेललिस्ट से वो पूछे भी पूछ सकते हैं एग्जैक्टली exactly, कल हम लोग कोशिश करेंगे कि सवाल और जवाब का सिलसिला भी जारी करें एंड देखते हैं क्या होता है कल सो कल आपसे मुलाकात होती है अगेन उमर मुझे इजाजत दीजिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़